देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाँ बोल सिद्धार्थ। भैया मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। अरे भाई पहचाना मैंने, तुम्हारा नंबर सेव्ड है मेरे पास, बोलो। राइट, आई एम सॉरी। क्यों भाई, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ठीक हो ना तुम? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, बस मेरे गाड़ी का टायर बस्ट हुआ है और कुछ नहीं। आई एम फाइन। तुम कहाँ हो अभी? मैं आ रहा हूँ अभी। भैया मैं ठीक हूँ, गाड़ी भी ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये अचानक से हुआ, इसलिए मैं डोंट वरी। और मैंने मैकेनिक को बुलाया है, वो आ रहा है। इट्स ऑल फाइन। पक्का ना? हाँ भैया आई एम फाइन। कौन है? एक्चुअली मैंने किसी और काम से कॉल किया था। हाँ अरे बोल ना। एक्चुअली मैंने रमा के लिए बहुत सारे आश्रम को कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन कोई भी उसे रखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों क्यों, वजह क्या है? आधे लोगों का ये कहना है कि ऐसे केसेस वाली औरतों को वो नहीं रख सकते, और जो तैयार हुए उनका कहना है कि जिन्हें रखना है उनका आईडी प्रूफ लगेगा, ये गवर्नमेंट रूल है। अरे लेकिन हेलो भैया, हेलो हेलो सिद्धार्थ, आवाज आ रही है मेरी? सिद्धार्थ था क्या, क्या बोल रहा था? वो कह रहा था कि रमा को मिल गया क्या आश्रम? वो कह रहा था कि रमा को किसी भी आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। अरे मेरे फूटे कर्म, लेकिन क्यों? मां अरे आपको वजह से क्या लेना देना है, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। मैं नहीं तो और कौन होगा निरंजन? हाँ
लेकिन नहीं 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 हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़कर चली गई? वचन दिया है मैंने तुम्हें, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे पीछे रहूंगी। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, सपना है ये। हाँ सपना तो है ही, तुम और मैं हम दोनों ने मिलकर देखा है, जिंदगी भर एक साथ रहने वाला। लेकिन झूठ है ऐसा मत बोलना, विश्वास करो मेरे ऊपर, मेरा हाथ ऐसे कस के पकड़ के रखना, ऐसे मत करो ना। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, वो कहते हैं ना जन्मो जन्म का, वैसा जान से ज्यादा। लेकिन तुमने मुझे ऐसे दूर किया ना, तो लगता है जैसे मैं मर गई। ऐसा मत करो ना, मुझे अपने से कभी दूर मत करना, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। देखा ना, इस मंगलसूत्र को भी हमारा दूर होना गलत लग रहा है, तो मुझे दूर मत करो। लेकिन ये मुझे तुम्हारे पास लेकर आ रहा है, नियति का खेल है। इस मंगलसूत्र के जरिए हम दोनों ने 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहने का वचन लिया है। इस वचन को मैं ऐसे कैसे टूटने दे सकती हूँ? हाँ है ये जिंदगी जो मिली। अरे वाह, आज बहुत अच्छे मूड में लग रही हो, गाने गा रही हो। आपका भाई माँ, मैंने आपको देखा नहीं। मेरी बात छोड़, तू अपनी बता, तू कब आई होश में, अभी या कल रात को, या फिर बेहोश हुई ही नहीं थी तू? हाँ? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? जो सच है वही कह रही हूँ। होश तेरा नहीं, मेरे बेटे का खोया हुआ है। उसे ना समझ ही नहीं आ रहा कि उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है मुझे। माँ आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करती रहती हैं? नाटक, सब कुछ नाटक है। ये बेहोश होने का नाटक, मीठी मीठी बातें करना, रोने का, ये सब नाटक है। और घर खो गया है ना, वो भी नाटक है। अगर असली नाटक या फिल्मों में होती ना, तो बहुत अच्छा नाम कमाया होता तूने। लेकिन ये नाटक मेरे घर में नहीं चलेगा। और अब ये सारे नाटक खत्म करके यहां से जाने का समय आ गया है तेरा। चल सामान पैक करने की तैयारी करा। ये जो एक्टिंग वैक्टिंग करना है ना, ये सब अब आश्रम में जाकर करना है। तुझे इस घर से निकाले बिना मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। Bodies.
निरंजन, क्या? अगर तुम कुछ सोच रहे हो तो मैं बाद में आती हूँ। अरे नहीं नहीं, कल रात को वो, हाँ कल के बारे में ही है, मैं कल के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। हाँ मतलब, मतलब तुम्हें पता है, मतलब मैं बेहोश होकर उस रास्ते के किनारे कैसे गिर गई मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें जो परेशानी हुई है उसके लिए हम सॉरी। ओह, तुम उस बारे में बोल रही हो, मुझे लगा कि क्या लगा? नहीं कुछ नहीं। अच्छा वो छोड़ो, मुझे बताओ तुम ठीक हो अभी? हाँ मैं ठीक हूँ, पर माँ। माँ? माँ का क्या? माँ मुझसे अभी कह के गई है कि वो मुझे जल्द ही घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देगी। वो कह रही थी किसी आश्रम में जाना होगा। देखो तुम, ये माँ भी ना, माँ को जाने दो तुम, पर तुम्हारा क्या? तुम्हें भी यही लगता है कि मुझे ये घर छोड़कर जाना चाहिए? देखो रमा, हम सुकून से बैठकर बात कर लेते हैं ना। अरे मैं कैसे सुकून से रहूं निरंजन, तुम मुझे बताओ क्या मैं खुद इस घर में आई थी? नहीं ना, तुम लेकर आए थे ना मुझे, तो अब तुम बताओ मैं यहाँ से ऐसे कैसे बाहर चली जाऊं? इसलिए जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। देखो मुझे ये पता है कि मेरे यहाँ आने से तुम्हें, माँ को और सबको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, कसम से मेरे मंगलसूत्र की, मेरा मंगलसूत्र कहाँ गया? मैं अभी आई, मेरा मंगलसूत्र, मंगलसूत्र मिल ही नहीं रहा है। ऐसे क्या देख रहे हो, मेरा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है। मंगलसूत्र गले में ना हो तो मुझे अजीब लगता है, मालूम है ना? सुनो ना, उस ड्रॉर में है क्या, देखो ना प्लीज। हाँ देखता हूँ। मिला? मेरा मंगलसूत्र यहाँ? मंगलसूत्र गले में ना होना तो बहुत अजीब लगता है। ए निरंजन, थोड़ा मेरी मदद करो ना, ये लग नहीं रहा। क्या बोल रहे हो भैया? अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैंने आज तक कभी कुछ छुपाया है क्या तुमसे? कभी मैंने झूठ बोला है तुमसे? लेकिन तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो फिल्म्स में होता है या सपने में, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी लाइफ फिल्म नहीं है, और मैं सपना नहीं देख रहा था, आभास कह सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे देखा कि रमा और मंगल। एक मिनट, कह रहे हो कि आभास था, फिर टेंशन क्यों ले रहे हो भैया? ऑल दीज आर माइंड गेम्स। हमारा मन ऐसी चीजें करता रहता है, जस्ट मूव ऑन, भूल जा, मिटा दो इन सबको। भूल जाऊं? इतना इतना आसान है क्या ये? कैसे भूल जाऊं? मुझे पता है आसान नहीं है, लेकिन एनीवे हम कोई और बात पे बात करें क्या प्लीज? मां और आस पड़ोस के लोग
जो कह रहे हैं वो अगर सच निकला तो मंगल मंगल सच में वापस आ गई होगी, तो रमा के रूप में मंगल की बहुत सारी इच्छाएं अतृप्त रह गई थी, उन्हें पूरा करने के लिए अगर वो आ गई होगी तो मेरा अकेलापन उससे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, और मेरे प्यार के खातिर अगर वो वापस आ गई होगी तो भैया क्या बोल रहे हो? मंगल भाभी को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं और मैं वहां था, मैंने खुद देखा है मंगल भाभी को, और उनके जैसे बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन टेबल पर जान छोड़ते हुए देखा है मैंने, लेकिन कभी गए हुए इंसान को वापस आते हुए नहीं देखा है, या फिर कभी मेडिकल साइंस की बुक में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है। वापस आना ये सब कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ दिल का खेल है। लेकिन ये खेल नहीं है सिद्धार्थ, तुम ना तुमने किसी से लड़ाई झगड़ा किया क्या? तो उसे देखो ना, उसने मुझे क्यों कहा कि मैं आपसे बात ना करूं? अरे लेकिन वो तुम्हारा दोस्त है ना, बोल दिया तो क्या हुआ? चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो मेरा दोस्त हो चाहे कोई भी हो, हम दोनों के बीच में जो आएगा उसके साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। ये और यहाँ पर किया क्या तेरे साथ? क्यों रो रही हो? बता मुझे लक्ष्मी। पापा मेरी गुड़िया का। अरे गुड़िया ना यही कहीं होगी ना? नहीं है, मैंने हर तरफ ढूंढ लिया। तूने हर तरफ ढूंढ लिया? तुझे तेरी गुड़िया नहीं मिल रही है? हम ना एक काम करते हैं, पापा लक्ष्मी के लिए नई गुड़िया लेकर आएंगे। नई गुड़िया की आंखें नीली नीली होती है, लाल लाल गाल होंगे, और पुराने गुड़िया से भी बहुत बड़ी होंगी वो। नहीं, मुझे मेरी गुड़िया ही चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। अरे लक्ष्मी देखो, नई गुड़िया जो है ना वो बहुत बड़ी होती है, वो ऐसे बात भी करती है। अब्बा तुझे महंगे दुकान से लेकर देंगे गुड़िया। नहीं, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, एक बार कह दिया था। ए लक्ष्मी ज्यादा चिरचिर मत करा, तुझे बोला था ना अब्बा तुझे नई गुड़िया लेकर देंगे। हाँ नई गुड़िया पुराने गुड़िया से बहुत बड़ी है, तुझे पुरानी गुड़िया नहीं मिलेगी, और नई गुड़िया के साथ खेलना है तो खेल, नहीं तो रोते बैठ। भैया गजरा लीजिए ना, गजरा लीजिए, एकदम फ्रेश है, अपनी पत्नी के लिए लीजिए। ये मेरे लिए? हाँ मतलब ऑफ कोर्स, मुझे बहुत पसंद है गजरा।
लेकिन मुझे लेकिन? मुझे फूलों से फूलों से फूलों क्या से एलर्जी है। कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में। क्यों? जाओ ना अपने मौसी के पास, वो मौसी तुझे बहुत पसंद है ना, माँ से भी ज्यादा पसंद है, तो जाओ उसके पास। घर क्यों आया है तू? अरे मैंने क्या किया है? अरे मैंने क्या किया, ये मुझसे ही पूछ रहे हो? तुम्हें हजार बार मना किया कि उस औरत के पास मत जाना, फिर क्यों गए उससे मिलने के लिए? मैं नहीं मिला था उनसे। झूठ बोल रहा है मुझसे, सच क्या है बताओ मुझे। अरे सच में नहीं मिला था उनसे। झूठ बोलता है मुझसे, तुम्हें खींच के थप्पड़ लगाना चाहिए। उसे हाथ लगाने की सोचना भी मत। माँ के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे तुम आ गए ऑफिस से? हाँ मैं तो अभी आया। हाँ जल्दी आ गए ना तुम। हाँ मतलब फिर भी बीच रास्ते में एक चीज खरीदी, उसमें थोड़ा वक्त गया। मैं काम करती हूँ, चाय बनाती हूँ अच्छी सी। तुमने आने के बाद पिया तो नहीं ना? बस अभी लाई। हाँ। घर में किसी चीज की खुशबू आ रही है ना, जैसे कोई फूल है, जैसे मोगरा, मोगरे की खुशबू आ रही है। हाँ? हाँ? अरे मोगरे का गजरा तुम लाए? हाँ मेरे लिए। हाँ मतलब नहीं, ऐसे ही लेकर आया मैं। तुम लो ना, तुम लो, तुम्हें अगर पसंद है तो ले लो तुम। मतलब मुझे खुशबू पसंद है इसलिए। खुशबू नहीं बोलते, सुगंध बोलना चाहिए कि मुझे सुगंध अच्छी लगी। मुझे मोगरा बहुत पसंद है। सच? मुझे लगा तुम्हें फूल पसंद नहीं है। फूल किसे नहीं पसंद होंगे, और ऐसे सुगंधित फूल हो तो सवाल ही नहीं उठता। सॉरी मुझे ना मोगरे से थोड़ी एलर्जी है, लेकिन इसकी सुगंध मुझे इतनी पसंद है कि मैं एलर्जी भी झेल लूंगी। राजकुमार, राजा साहब का गुस्सा ठंडा हो गया है।
अब हम सब साथ हो जाएंगे, मतलब अब कहानी पूरी हो जाएगी। यस यस यस। लक्ष्मी, 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 ये चिनप्पा देख नहीं रहा क्या तुझे? हाँ, आंखें फट गई है क्या तेरी? हाँ, लक्ष्मी सोई हुई है, आवाज नहीं करना चाहिए। चुप, शांत। के ऊपर क्या कर रहा है तू? हाँ, नीचे उतार, उतार मेरे छपरे के नीचे। बोला ना तुझे, नीचे उतार, उतार, उतार। ऐसा नहीं मानेगा ना, मैं खुद आता हूँ बाहर। ये कौन है रे ऊपर है? नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, बोला ना। रुक रुक, मैं ही आता हूं ऊपर। मैं रुक, मैं ऊपर आ रहा हूं। मैं रुक, रंजन ये क्या किया है तुमने? मंगल की साड़ी, गहने रमा के रूम में रखकर आए हो, क्या मतलब निकालेगी वो इसका? उसे उसे बुरा लगा तो? वो अगर घर छोड़ के चली गई तो मुझे जाकर उन चीजों को यहां लेकर आना चाहिए, लेकिन अगर अभी उसके कमरे में जाऊंगा तो ठीक नहीं लगेगा। अब तक तो उसने सारी चीजों को देख भी लिया होगा। रुको, अभी के लिए कुछ मत करो। अब इसका जो भी अंजाम होगा उसे चुपचाप से बर्दाश्त करो।
कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी, वो ये सब। सॉरी क्यों कह रहे हो तुम? बल्कि मैं ही तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? थैंक यू। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि वो बहुत ज्यादा है, और मैं तुम्हें सब चीजों के लिए थैंक यू बोलने की बजाय बस सब लेती ही रहती हूँ। ये सब कुछ अब मुझे नहीं पता कि मैंने ये सब तुम्हें क्यों दिया। पर इन सब में कोई गलती नहीं है निरंजन, कुछ भी नहीं, उल्टा सुख है, शांति है इसमें। हम दोनों ने इस जिंदगी में जो खोया है, हमें एक ही समय पर मिल भी गया है, इसकी खुशी है मुझे। हाँ, ये खुशी थोड़ी दूर थी पर साथ में थी, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। तुमने उस बोझ को हल्का कर दिया निरंजन, तुम मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो, तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। ऐसे पल एक जन्म जीने के बाद भी नहीं मिलते हैं, दोबारा जन्म लेना पड़ता है। मुझे तो मिल गया, तो जीने दो मुझे इस पल को, और तुम भी जियो इस पल को मेरे साथ। जिंदगी के इस सफर में अब हम दोनों को एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ना होगा। May I come in, sir? Yes, come in. आइए। Soft tissue injury है sir। क्या हुआ? कहाँ गिरे थे? साहब, वो मैं अपने झोपड़े के छत पर चढ़ गया था, तभी सीढ़ी से नीचे गिर गया। कैसे गिरा ये भगवान जाने, कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। कैसे याद रहेगा, रात को ज्यादा पी ली होगी ना। साहब, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? हाथ के दम से ही पेट भरता हूँ साहब। मुझे ना एक छोटी बच्ची भी है, उसे ना दवाई दे रहा हूँ, सही समय पर लेना, नहीं तो सीरियस हो जाएगा। और वापस आना 15 दिन के बाद, देखते हैं क्या प्रोग्रेस होती है। और दवाई स्ट्रांग है? हाँ, बिना अवॉइड कर। ठीक है साहब। और हाँ, तुम्हारी छोटी बच्ची है ना? हाँ साहब। स्कूल जाती है क्या वो? हाँ साहब, अभी अभी फर्स्ट में गई है। साहब, मेरी बेटी बहुत होशियार है। ख्याल रख उसका और अपना भी। हाँ साहब, थैंक यू साहब। ये लेकर जाओ। भाई ये दवाई देना। क्यों रे, क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर? अरे संपत, हाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे घर में रुकने के लिए कहा था ना, लक्ष्मी घर में अकेली है ना। अरे शांत हो जा, हा? देख उसको भी साथ में लाया हूँ, वो देख बैठी है वहाँ। उषा, देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुमने बच्चे पे हाथ उठाया, शायद उसे अच्छा नहीं लगा होगा। देखो उषा, उसकी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी तुम्हें रोक देती। कल वो जिस नजर से मुझे देख रही थी ना, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती, किसी भी समय वो मेरी जान ले लेगी, ऐसी नजरों से वो मुझे देख रही थी चाची। तुम शायद ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके मन में। वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैंने और मोनू ने क्या बिगाड़ा है उसका, जो हमारे पीछे पड़ी है वो, मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है। चाची
चाची वही है। अरे वही है ये चाची। अरे जाके देखो तो सही। चाची चाची वही है वही। मेरे निरंजन पर उस मंगल ने क्या जादू किया है ना, भगवान ही जाने। उठने को कहती है तो उठता है, बैठने को कहती है तो बैठता है, दिन भर उसके आगे पीछे ही घूमता रहता है। माँ है या ऊपर गई ये भी उसे पता नहीं चलेगा, ऐसी हालत है हमारे घर में। अरे आप कुछ भी क्यों बोल रही हैं निरंजन की माँ, थोड़ा धीरज रखिए। मुझे पूरा भरोसा है निरंजन को आपकी कीमत एक ना एक दिन जरूर पता चलेगी। अरे कैसे पता चलेगी उसे मेरी कीमत, हाँ कैसे पता चलेगी। वो लड़की मुझे पसंद नहीं है, ये बात मैंने उसे कितनी बार कही है। क्या हुआ, शादी करके लेकर आ गया ना उसे घर में, और अब तो क्या, अब तो उसका जाना और भी मुश्किल हो गया है। क्यों क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या, इस बार महावारी भी नहीं आई ना उसे। अरे भगवान। और तुझे तो निरंजन का स्वभाव पता ही है, वो दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचता है। और अब तो क्या, अब तो हालत और भी खराब है, महावारी नहीं आई तो दिन रात उसी की सेवा करता रहता है। निरंजन की माँ, देखिए आपसे एक बात कहूँ क्या, इस दुनिया में जितनी भी परेशानियाँ होती हैं तो उतने सारे उपाय भी होते हैं। मतलब? मतलब जैसी परेशानी वैसे उपाय। तब मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी, लेकिन अनजाने में मैं मंगल के बच्चे की जान के पीछे थी, और इसीलिए वो मेरे बेटे मोनू के गोखले। चाची प्लीज मेरे मोनू को बचाओ, कैसे भी करके मोनू को बचाओ। गोखले चाची मोनू को बचाओ। अपने आप को संभालो संभालो, देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सारे तुम्हारे मन के खेल है, कुछ नहीं होगा। गोखले चाची कुछ भी करो, मेरे मोनू को बचा लो, उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊं। देखो शांत हो जाओ पहले उषा, मोनू शांत। हाँ बोलो निरंजन। अरे तुमने आज रिंग बजने से पहले ही फोन उठा लिया, जादू जादू बताओ ना। अरे तुम सिर्फ मुझसे सवाल ही करते रहोगे या जो बोलने के लिए कॉल किया था वो बोलोगे। ओके अच्छा अच्छा सुनो ना, वो हम शाम में जरा घूमने के लिए जाएं। मतलब बाहर जाएं? मतलब ऐसे ऐसे ही। हाँ जैसा तुम कहो। ओके अब मैं ऐसे करता हूँ कि अपने सारे काम जल्दी निपटा लेता हूँ और आकर तुमसे मिलता हूँ, चलेगा? ठीक है। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से मिल गए। क्यों पसंद आई ना तुम्हें राजकुमारी? हाँ बहुत, हमारे कहानी की राजकुमारी बाकियों के कहानी के राजकुमारी से बहुत अच्छी है। चलो फटाफट खाना खा लो। हुँ?
चावल आई है खाने में? नहीं चावल। चल। आसपास ही रहता है खिड़की पे कौवा, बोलता है माँ से हो देना इसे लड्डू। तुम बेटा रोना मत, दूर कहीं चले फिर मैं तुम्हें संग ले चलूं, फिर से कहीं दूर।